नमस्कार दोस्तों, अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीज़न में लिखा है प्लीज़ अपडेट सर्विस हिस्ट्री, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं करता हूं आपके काम की बात सीधे सीधे। और ये जो रिजेक्ट का रीज़न है, इसका ये मतलब बनता है कि आपने अपनी खुद से ही एग्जिट डेट डाली है, आपने अपनी खुद से ही एग्जिट डेट डाली है और एग्जिट डेट डालने के बाद आपने अप्लाई किया। तो कई बार पीएफ ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड अपडेट होने में 3 दिन का समय लगता है। जब आप अपनी एग्जिट डेट खुद से मार्क करते हैं, एग्जिट डेट खुद से मार्क करने के बाद पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में अपडेट होने में 3 दिन का समय लगता है। अगर 3 दिन नहीं हुए हैं और आपका फॉर्म उनके पास पहुंच गया है, तो उनके रिकॉर्ड में अभी आपकी एग्जिट डेट नहीं पड़ी है और आपने फॉर्म भर दिया है, इस वजह से वो आपका रिजेक्ट करते हैं। ये है रीज़न नंबर वन। रीज़न नंबर टू जो है वो ये है कि कई बार कंपनी अपने सिस्टम से आपकी एग्जिट डेट डालती है और वो एग्जिट डेट पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता। अगर उनके रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो रहा है तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है। और इसके लिए आपको करना ये है कि आप 10 दिन रुक जाएं, 5 दिन 10 दिन रुक जाएं। अगर 5 दिन 10 दिन बाद आप अप्लाई करें, हो सकता है उस टाइम पे उनका सिस्टम अपडेट हो जाए, आपकी एग्जिट डेट अपडेट हो जाए और फिर आपका फॉर्म पास हो जाए। अगर 5-10 दिन बाद आपने ट्राई किया और तब भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो अब आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के कंपनी से फिर पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सर्विस हिस्ट्री अपडेट होगी पीएफ के रिकॉर्ड में। ऐसा करके ही आप अपना ये एरर हटा सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और रिजेक्शन की और वीडियोस हैं, मेहनत मेरी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये काम की जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत